भावनगर के निजी गार्डन में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उक्त आयोजन में मुख्य वक्ता के रूप में दुर्गा वाहिनी केंद्रीय समिति के सदस्य माला सिंह ठाकुर इंदौर से पधारी। माला सिंह ठाकुर ने महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ ही भारत की आजादी के इतिहास एवं भारतीय संस्कृति से जुड़े इतिहास से महिलाओं के योगदान को लेकर मौजूद मातृशक्तियों को जानकारी दी। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। कार्यक्रम की शुरुआत में मंच पर बैठी वीरांगनाओं का रूप धारण किए कन्याओं का पूजन किया गया। उसके बाद मंच से दुर्गा वाहिनी केंद्रीय समिति की सदस्य माला सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत के पराधीन काल में मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक भारतीय वीरांगनाओं ने वीरता के दम पर दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए थे। वहीं कार्यक्रम को लेकर जानकारी देते हुए माला सिंह ठाकुर ने बताया कि कार्यक्रम में क्रांतिकारियों के इतिहास को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया ताकि हर पीढ़ी हमारे स्वर्णिम इतिहास को पहचान सके। हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि हम स्वराज के अमृत महोत्सव वर्ष को मना रहे हैं। किस प्रकार से स्वभाषा, स्वदेशी, स्वभूषा, स्वावलंबी पीढ़ी का निर्माण हो, इसी को लेकर के मातृशक्ति सम्मेलन यहाँ किया गया। किस प्रकार से क्रांतिकारियों ने, वीरांगनाओं ने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, हम उस गौरवशाली परंपरा को स्मरण करके आज की पीढ़ी को उस गौरव का भान कराएं, ऐसा हम सभी ने यहाँ संकल्प लिया। यहाँ आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन की अध्यक्षता यूपीएससी परीक्षा में धार का नाम रोशन करने वाली ट्विंकल जैन ने की, जिनका आयोजन के दौरान सम्मान भी किया गया। वहीं पूरे आयोजन की भूमिका राखी राय ने रखी तथा संचालन रेखा राठौड़ ने किया। वहीं स्वराज अमृत महोत्सव अंतर्गत आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन में बड़ी संख्या में मातृशक्तियों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, धार।